नमस्कार जी, एजुकेशन नॉलेज टी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज लेके आप सभी के लिए सुबह सुबह हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से HTET, HBSC, CBSE, HSSC तक बड़ी खबरें हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरी खबर से पहले देखिएगा एजुकेशनल ऐप के बारे में। डाउटनेट बच्चों, आप किसी सवाल में अटक गए हो, कोई क्वेश्चन हो नहीं रहा हो, बस आपको उस सवाल का फोटो लेना है, करो करना है, सबमिट करना है, 3 सेकंड में आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, MP, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट का हो या 6ठी से 12वीं का कोई सवाल हो, इन सबका सोल्यूशन आपको डाउटनेट ऐप पर मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, इन सबका भी आपको डाउटनेट ऐप पर सोल्यूशन मिलेगा। क्लास 9वीं से 12वीं की लाइव क्लासेस चल रही हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यानी कि आप पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी इसे पढ़ाई कर रहे हैं, डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में। देखिएगा, परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बोर्ड ने स्थापित कर दिए हैं केंद्र। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा 2 और 3 जनवरी को HTET की परीक्षा ली गई थी, जिसके लिए आज से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं अपने अपने केंद्र पर जा करके, और यह लिस्ट आज 9 बजे तक अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, जाँच कमेटी ने प्रिंसिपल को सौंपी रिपोर्ट, व्हाट्सएप पर भेजे मैसेज भी किए गए हैं संलग्न। यानी कि राजकीय स्नातक और महाविद्यालयों की 3 छात्राओं द्वारा बैड टच और मैसेज भेजने के अध्यापक पर लगाए आरोपों के मामले में कॉलेज की आंतरिक जांच कमेटी ने रिपोर्ट प्रिंसिपल को अब सौंप दी है। उसके बाद यहां पे देखिएगा, आज से HTET परीक्षार्थी होगी पुतलियों की जांच। पुतलियों की यानी कि हरियाणा बोर्ड की आज वेरिफिकेशन होनी है, आपकी स्कैनिंग की जाएगी आंखों की। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, सरकारी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने को देनी होगी फीस। यानी कि अगर आप सरकारी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो आपको फीस देनी होगी भाई। यह 134A के नियम वाले गरीब बच्चों, उन गरीब बच्चों को भी अब फीस देनी होगी अगर आप सरकारी स्कूल में जा करके अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, 1 से 3 कक्षा में अगर आप पढ़ते हैं तो 200 रुपये, 4 से 5 में पढ़ते हैं तो 250 रुपये, 6 से 8 में पढ़ते हैं 300 रुपये, 9 से 10 में पढ़ते हैं तो 400 रुपये, और 11वीं से 12वीं के बीच पढ़ते हैं तो आपको 500 रुपये फीस देनी होगी। उसके बाद यहाँ पे देखा, बिजली संशोधन बिल सरकार लेके आई है 2020, विरोध में 3 फरवरी से हड़ताल है भाई। किसान आंदोलन के समर्थन और बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस लेने की मांग को लेकर देश भर में 15 लाख बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर 3 फरवरी से हड़ताल करेंगे भाई। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, शिक्षा मंत्री के आने की सूचना पर ही काले झंडे लेकर पहुँचे किसान, वह मंत्री आए नहीं, मंत्री आए नहीं है भाई। शिक्षा मंत्री भी जहाँ भी जा रहे हैं वहीं पर ही इनका भी बहिष्कार किया जा रहा है। तो ये थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज की हरियाणा की। आपको कैसी लगी मुझे लाइक और शेयर करके जरूर बताएं। धन्यवाद।